94 न्यूज, हम बनेंगे आपकी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहां दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन फूड के हवाले से हो रही है और पूरी दुनिया से इंटरनेशनल ब्रांड यहां आए हुए हैं और इंटरनेशनल यहां लोग हैं और यहां फुटफॉल इतना ज़्यादा कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत सारे टेस्टी फूड भी हैं जिसकी फ्री एग्जाम्पलिंग आपकी यहाँ सामने हो रही है। हमने बहुत कुछ टेस्ट किया है, आज इसका लास्ट डे है। और इसके साथ आपको बताता चलूँ कि यहाँ म्यूज़िकल कंसल्ट भी है जहाँ इंटरनेशनल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। 3 दिन का ये एग्जीबिशन आज लास्ट डे, और 3 दिन में रोज़ाना नए से नए आर्टिस्ट चेंज हो रहे हैं और ब्रांड वो जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आइए और देखिए कि यहाँ कौन कौन से ब्रांड। नाज़रीन, आयशा अकरम इनोवेटिव से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इनोवेटिव के बारे में। इनोवेटिव हमारा ब्रांड है जो बिस्किट्स बनाता है। हमारे सबसे जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं वो होंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स एंड बटर क्रंच, ये हमारे स्टार प्रोडक्ट्स हैं। चार प्रोडक्ट्स हैं। एक्सपो का कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपो का हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सिंस हमने एक फ्री चीज़ प्रोवाइड की है एज़ कम्पेयर टू हमारे कंपेरेटर्स हैं वो विद मनी कर रहे हैं, तो हमारा फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा रहा है। फ्राइडे को भी काफ़ी ज़्यादा था और आई थिंक आई इन माई एक्सपीरियंस संडे का अभी तक हमारा सबसे ज़्यादा फुटबॉल रहा है। सबसे ज़्यादा क्या मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों के लिए एक्सपो के बारे में, अपने ब्रांड्स के बारे में? एक्सपो के बारे में आई थिंक ये काफ़ी अच्छा उनने ऑर्गेनाइज़ किया है, और ब्रांड के बारे में अगर आपने ट्राइफल में हमारा खाया है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई इनोवेटिव बिस्किट्स। डेफिनेटली, लेकिन अभी हमने तो खाना, हम फिर भी बताएँ। हाँ, नाज़रीन, राहील मुगल साहब नूरपुर ब्रांड से हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं नूरपुर के बारे में मज़ीद डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आपकी सेहत बड़ी अच्छी है, क्या इसका राज नूरपुर है? बिल्कुल। नूरपुर के बारे में राहील साहब थोड़ा सा लोगों को बताएं, व्यूअर्स को। देखें, नूरपुर जो है एक डेयरी इंडस्ट्री में फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है, जो कि जिसके बारे में जो नॉलेज है यहाँ पे, ये एक्सपोर्ट्स भी करते हैं हाई लेवल पे। इनकी जो चीज़ है और इनके बारे में चॉकलेट डिप है वो मैकडोनल्ड और KFC वगैरह में भी यूज़ की जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल ब्रांड, ये एक बिग इमेज है डेयरी इंडस्ट्री में। इनके एक्सपोर्ट्स हाई लेवल पर हैं और एक बड़ा पाकिस्तानी ब्रांड होने की वजह से फौजी फूड्स ग्रुप का, आप जानते हैं फौजी फूड्स ग्रुप को, तो फर्टिलाइजर्स उनके सब चीज़ें, जब डेयरी इंडस्ट्री में एक बूम है, बहुत फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं ये। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं दूध, UHT मिल्क, उसके अलावा जो इनके फ्लेवर्ड मिल्क, सब अवेलेबल है मार्केट में थ्रू आउट पाकिस्तान और एक्सपोर्ट भी जा रही है। तो कैसा रहा इस रिस्पॉन्स एक्सपो का? एक्सपो का रिस्पॉन्स यहाँ पे हमें बहुत अच्छा मिला है, पाकिस्तान इसके फूड अथॉरिटी से, पंजाब फूड अथॉरिटी से। बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो है हमें कोऑपरेटिव किया गया, हमसे कोऑपरेटिव है, और उसके अलावा जो है इनके जो सुपरवाइज़र्स हैं इस PFA के, ये हमें हर चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं, हाइजीन मेंटेन करने में स्वेपर्स हैं, कुछ भी है वो हर वक्त अवेलेबल हैं एक्सपो के लिए हमारे लिए। और उसके अलावा लाइट्स की अवेलेबिलिटी, साउंड, एवरीथिंग इज़ अप टू स्टैंडर्ड, बेस्ट। उम्मीद है कि ये आगे आने वाले दिनों में भी जो है इन फ्यूचर ये इस तरीके से इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे और थोड़ा इनोवेटिव वे में भी आते रहेंगे, तो वी विल बी हेयर प्रेजेंट अवर नूरपुर सेट। वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन, बेस्ट एंड फॉर B2B इट्स अ सक्सेसफुल। नाज़रीन, पीक फ्रेश की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं पीक फ्रेश के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अहसन नाम है। और आपका? शकील सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं पीक फ्रेश के बारे में थोड़ा, कि इसकी जो डिटेल बताएं। सर, वी हैव ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक चीज़, बटर, देसी घी, योगर्ट, etc वगैरह। जी, आप क्या कहेंगे? सर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी, बेसिकली ये GMP फूड्स है और पीक फ्रेश इसका ब्रांड है। इसमें हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, योगर्ट, चीज़, बटर, देसी घी है, पाश्चराइज मिल्क है, स्टरलाइज्ड मिल्क है, और इंशाल्लाह हम इन कमिंग डेज मिल्क पाउडर में आ रहे हैं हम, और UHT मिल्क में आ रहे हैं इंशाल्लाह। कोई और ब्रांड भी सर अटैच कर रहे हैं? जी सर, रिसेंटली हमारा एक पीक फ्रेश जो ब्रांड चल रहा है इसके साथ हमारा ये पीछे मलोको ब्रांड, ज़रा कैमरे में आप दिखा दीजिएगा, मलोको हमारा कमिंग सून ब्रांड है। इनमें हमारी सारी प्रोडक्ट्स है, मलोको में भी मिलेंगी और पीक फ्रेश में भी मिलेंगी। एक्सपो के बारे में क्या कहेंगे, लास्ट डे कैसा रहा रिस्पॉन्स? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा इवेंट रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी कंपनी, उसके सब पाकिस्तान के सब ब्रांड मौजूद है यहाँ पर,
और इतना को अच्छा इवेंट हो रहा है कि हमारे पंजाब फूड की जो रेपुटेशन कम हुई हुई थी आज इंशाल्लाह वो ज़्यादा हो गई है। किस लिए कि हलाल सर्टिफाइड सब ब्रांड यहाँ पर मौजूद हैं, जिधर जिसकी वजह से आपको ईच एंड एवरी थिंग सेफ एंड सिक्योर फूड अवेलेबल मिलता है हर मार्केट में हर जगह पर। और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि इधर फ्री एडवर्टाइजिंग हो रही है और फ्री सैम्पलिंग हो रही है, जो भी पब्लिक आ रही है उसके लिए हम अच्छा से अच्छा और हलाल फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन इसमें ये है कि हमारे जितने भी ब्रांड या जितनी भी कंपनीज आई हुई हैं इनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हो रही है सारी। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि हमारी जो सेल्स हैं, जो टेक्निकल हमारी टीम है या सेल्स के हैं, मार्केटिंग के बंदे हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। हमारी सेल इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमें कस्टमर की तरफ से और ये आवाम की तरफ से इतना पॉजिटिव रिस्पांस मिला है कि इंशाल्लाह इसमें जो हमारी टेक्निकल टीम है इनको बहुत हेल्प आउट होंगे वो सारे, और इंशाल्लाह के सब की हमारी नहीं पूरी जो ब्रांड्स आए हुए यहाँ पर इन सब की जो मार्केटिंग इंशाल्लाह बूस्टअप होगी। नाज़रीन, कर्शी से मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कर्शी के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कोई अपडेट कर्शी के बारे में बताएं। जी, कर्शी ऑर्गेनाइजेशन की जी बेसिकली एक सिस्टर फॉर्म है, कर्शी रिसर्च इंटरनेशनल, जो कि एक कमर्शियल फूड टेस्टिंग लैब है। एंड हम नॉन फूड में भी टेस्टिंग कर रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जो 3 दिन का जो फेस्टिवल है ऑर्गेनाइज़ कराया, फूड एक्सपो है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। हमारा रोल ये है कि हम सेफ फूड की जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करें, और उसके अंदर हम लोग एज अ थर्ड पार्टी टेस्टिंग लैब हम PFA को भी सपोर्ट करें और दूसरी जो फूड कंपनीज हैं उनको भी सपोर्ट करें। वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन। बहुत एनर्जेटिक है, बहुत वाइब्रेंट था, और मैं अभी भी आपके चैनल के तफसुल से लोगों को कहूँगा लास्ट डे आज ज़रूर आएँ। रात तक एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद कॉन्सर्ट है, तो इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव बाय PFA फॉर द फैमिलीज, मस्ट कम। नाज़रीन, इस वक्त ब्लू बैंड ब्रांड में मौजूद है हमारे साथ फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद अकरम है मेरा नाम। और आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला। इस्माइल। आदिल। अच्छा, मुझे ये पकड़े, आपको भूख ज़्यादा लगी ये आपने ये पकड़े हुए या टेस्ट बहुत अच्छा ब्लू बैंड? टेस्ट असल में बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसने हमारे पाँव कदम इधर ही रोक दिए तो हमने कहा चलो टेस्ट चेक करें। तो माशाल्लाह हम सेकेंड जनरेशन ये खाते चले आ रहे हैं, हम भी खाते थे, हमारे बुजुर्ग भी खाते हैं, अब हमारे बच्चे भी यही खाते हैं। अच्छा, जब भाभी से घर में लड़ाई होती है और बच्चे कहते हैं पापा वी हैव फील हंगरी, तो अब क्या करते हैं? तो अब चुप करके किचन में जाते हैं और फ्रिज वगैरह खोलते हैं, वहाँ से ब्रेड और ये ब्लू बैंड लेते हैं और नाश्ता करवा देते हैं बच्चों को। सबसे ईजी और टेस्टी यही है। अच्छा, आप कितने पीस खाते हैं ब्लू बैंड के? 2 2। और आप? 3। अच्छा, ये जरा टेस्ट करें ब्लू बैंड। वाह, नाज़रीन ये देखे कि आप इनकी घर में हुई थी, असल सुबह सुबह झगड़ा हुआ था, मिसिस ने कहा बच्चों ने कहा हमें भूख लगी, ये फ़ौरन ब्लू ब्रांड पे हैं और आपको बताते चले कि यहाँ फ्री सैम्पलिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे फ्री सैम्पलिंग हो रही है, अच्छा टेस्ट है इसका। अच्छा, ब्लू ब्रांड के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ब्लू ब्रांड के बारे में यही मैसेज देना चाहिए कि जिस तरह ये शुरू से लेके अब तक क्वालिटी को मेंटेन करते चले आए, इस तरह हमारी रिक्वेस्ट है कि आगे भी ये अपनी क्वालिटी को इसी तरह मेंटेन रखें। नाज़रीन, आइसक्रीम की दुनिया का बहुत बड़ा ब्रांड कौन नहीं जानता, इंटरनेशनल ब्रांड चमन, चमन से आरिफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बारे में पूछते हैं चमन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आरिफ भाई, हम आपसे क्या पूछे चमन के बारे में? बच्चा बच्चा जानता चमन, चमन चमन गली गली। ऐसा ही है जी, चमन को 50 साल हो गए पाकिस्तान में लॉन्च हुए और ये लोकल ब्रांड है, इम्पोर्टेड ब्रांड्स का बड़ी कामयाबी से मुकाबला कर रहा है, और हम वो वाहिद ब्रांड हैं जो कि डेयरी आइसक्रीम बनाते हैं, प्योर इंग्रेडिएंट्स, प्योर मिल्क, इसी तरह प्योर क्रीम। बाकी जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड है, और लोग ऑब्वियसली आपने देखा ही हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी फूड अथॉरिटी वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें फराहम किया है कि हम पब्लिक को दोबारा से चमन से इंट्रोड्यूस कर सकें। हम कुछ नई प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, उनको हम टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। अच्छा, जो आप नई प्रोडक्ट के बारे में कह रहे हैं, आप बताना पसंद करेंगे? जी, हम कुछ नए फ्लेवर्स बना रहे हैं जी, हमारे तकरीबन 22 फ्लेवर्स चल रहे हैं, लेकिन पब्लिक की डिमांड आपको पता रहती है कि कुछ नए प्रोडक्ट्स आएँ, उसमें कुछ इम्पोर्टेड इन्ग्रीडियंट्स भी हैं, कुछ फ्रूट बेस्ड हैं, इसी तरह डाइट आइसक्रीम है, इसी तरह हमारे चॉकलेट के नए फ्लेवर्स हैं जिसमें ब्राउनीज, केक्स वगैरह भी शामिल हैं, तो ये भी हम आपकी खिदमत में करीब पेश करेंगे। क्या कहेंगे एक्सपो का लास्ट डे आज? जी, एक्सपो बड़ा अच्छा रहा जी, और लोग माशाल्लाह बहुत लोग आए, और बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा, मैनेज्ड बहुत अच्छा था,
और हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वो ये कि कस्टमर फीडबैक मिला हमें, तो ये बड़ी वैल्यूबल चीज़ होती है। नाज़रीन, एक ऐसे ब्रांड पे खड़े हैं कि जब बच्चे रोते हैं ना तो अपने माँ बाप से कहते हैं मामा यमी यमी यमी, यानी यमी एक ऐसी चीज़ है जो आपके बच्चों को चुप कराती है और बड़ों को खुश रखती है। मौसम साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौसम भाई, आपके बच्चे जब रोते हैं आप भी यमी देते हैं? जी एक्जैक्टली। हमारे बच्चे क्या यकीन माने कि जितनी फैमिली यहाँ पे आई हुई है ना एक्सपो में, तो सबसे ज़्यादा यमी आइसक्रीम को ही लाइक कर रहे हैं वो। अच्छा, मज़ीद क्या कहेंगे यमी की अपडेट के बारे में? जी यहाँ पे हमने 3 दिन हो गए हैं एक्सपो सेंटर में, यहाँ पे हमने स्टॉल लगाया हुआ है। माशाल्लाह यहाँ पे फैमिली आई हैं, उन्होंने बहुत लाइक किया है हमारी यमी को, बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, ये प्योर डेयरी मिल्क हमारी जो है ना यमी आइसक्रीम है, ठीक है, ये ताज़ा दूध मक्खन से ये बनती है। और यहाँ पे जितनी भी फैमिली आई है इन्होंने यमी को लाइक ही किया है यहाँ। अच्छा सर, सैम्पलिंग भी दे रहे हैं फ्री? सैम्पलिंग हमने पहले दिन जो है ना फर्स्ट फ्राइडे को हमने दिया था सारा दिन, ठीक है, तो ये 2 दिन तो हम जो है ना रिटेल पे दे रहे हैं आइसक्रीम, तो माशाल्लाह इसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। नाज़रीन, जो फैमिली भी इस वक्त आज है लास्ट डे है, आएँ और एग्जीबिशन में यमी के साथ हैं और यमी से आप टेस्ट करें और मज़े लें। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त क्विज की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे क्विज में? आज बहुत क्राउड है और फ्री सैम्पलिंग भी आप कर रहे हैं। हम लोग क्विज बेसिकली एक बेवरेज इंडस्ट्री है, यहाँ पर हम लोग सीरप्स बना रहे हैं, फ्रूट ड्रिंक्स बना रहे हैं और हमारे पास नसी मसाला जाते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर लोगों को दी जाएँ और हम यहाँ पर सैम्पलिंग भी करवा रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं और अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि तमाम बेवरेज कम्युनिटी को ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए जाएं जहां पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें, अवेयरनेस हो, हमारे पास बिजनेस आए और हम ताकि लोगों को अच्छी प्रोडक्ट जो है ना वो। सर, टुडे इज़ लास्ट डे, कैसा रिस्पॉन्स रहा? रिस्पॉन्स वॉज क्वाइट गुड, लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया, बहुत सारे न्यू कस्टमर्स भी आते हैं, इनोवेशन मिलती है, कंपटीटर्स भी यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं हमारे पास, तो हमें मल्टी डायमेंशनल एक यहाँ पे जो है ना वो सिचुएशन मिली जिसमें हमने बहुत कुछ लर्न भी किया। और इंडस्ट्रीज़ के लिए ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए। कोई नई प्रोडक्ट भी क्यों उसमें आपने शामिल किया? अभी एक्चुअली हम पायोनियर हैं एक्चुअली इसी के अंदर, सीरप्स के अंदर। अभी हमने गोवा के अंदर जो है वो वाइट गोवा की न्यू वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है मार्केट के अंदर। इसके अलावा हम पेट पे भी काम करें कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर और लेटर ऑन हम लोग उसके ऊपर भी मार्केट में वो भी लॉन्च करेंगे। क्या मैसेज देंगे एग्जीबिशन के बारे से? वी आर रियली थैंकफुल टू पंजाब फूड अथॉरिटी के उसने हमें ये मौका दिया और एग्जीबिशन का, और हमने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स है लोगों को सैम्पलिंग भी कराए चीज़ें भी। आप क्या कहें? देखें, एक अच्छा प्लेटफॉर्म था लेकिन इसको मज़ीद हम लोग बेहतर कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बिजनेस मैन भी लेके आए जाएँ, हमारा बिज़नेस प्रमोट हो। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बिज़नेस कम्युनिटी भी आनी चाहिए जिनके साथ हम लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये है कि आने वाले वक्त में भी इस तरह की एग्जीबिशन होनी चाहिए ताकि हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को, इस कल्चर को हम लोग प्रमोट। हिको से ख्वाजा मोहम्मद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, बहुत अच्छा स्टॉल है हिको पे, बहुत क्राउड है, क्या कहेंगे आज के दिन के लिए एग्जीबिशन के लिए? सबसे पहले PFA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं, जिन्होंने हमें मौका दिया है हमारी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए, मार्केटिंग के लिए। सबसे पहले तो PFA टीम का कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिस लिहाज से उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हैं, सारे ब्रांड्स को सपोर्ट किया है, तो PFA इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। अच्छा सर, एक और चीज़, हिको का बहुत माशाल्लाह इंटरनेशनल ब्रांड है, अभी कोई नई प्रोडक्ट भी ऐड किए? हर साल हिको के नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, इस साल हमने कंपनी के नए इनिशिएटिव्स पे अपने इम्पल्स को, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेयरी इम्पल्स के नाम पे लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पे हमारे पास राउंड अबाउट 20 से 25 के करीब इसके यूज़ होंगे, जिनकी अवेलेबिलिटी माशाल्लाह सीज़न पे मार्केट पे स्टार्ट हो जाएगी। वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन। एग्जीबिशन बहुत ज़रूरी था आवाम के लिए, इनके लोगों के लिए और कस्टमर अवेयरनेस के लिए, जो हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स वगैरह हैं, उसके अलावा दूसरे ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो हिको पाकिस्तान की नंबर वन डेयरी आइसक्रीम है एज़ कम्पेरेटिव टू अदर ब्रांड्स, और डेयरी आइसक्रीम प्रोड्यूस करती है जिसकी कस्टमर बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो भी हमारा कस्टमर्स है आते हैं और उसको काफ़ी शौक से खाते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और उसकी बेस पर ही हम अपने ब्रांड को और सपोर्ट करें और आने वाले सालों के लिए भी हम इसको माशाल्लाह बहुत ऊपर जाता हुआ दें। आज मेरे से बड़ा इनोसेंट बच्चा है, अस्सलाम वालेकुम। आज क्या टेस्ट किया आपने? चॉकलेट? हाँ। और
बिस्किट। तो आप खुश हो? हाँ। क्या कहोगे, पाकिस्तान जिंदाबाद? पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह आप जिंदाबाद, जिंदाबाद। थैंक यू। फूड एग्जीबिशन का आज लास्ट डे है, यहाँ एक फैमिली आई है विजिट के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रही हैं आज? लगता है बच्चे जिद कर रहे होंगे कि यहाँ। आपको यही उम्मीद होगी कि हम कहेंगे अच्छा फील, और वाकई हम अच्छा फील कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो रहे हैं, न्यूज़ में सुनो जो भी सुनो, फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, आप समझो कि ऑक्सीजन लेने के लिए हम इधर आए हैं, वरना पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं। कुछ थोड़ी देर के लिए खुशी लेना चाहते हैं, अपने बच्चों को खुशियां देना चाहते हैं, इसके लिए। अच्छा, अभी आपने जितनी भी खुशियां दी हैं वो कौन कौन से ब्रांड की खुशी बच्चों को दी है? ब्रांड्स इधर बहुत अच्छे थे, नहीं हमने ब्रांड्स काफ़ी यूज़ किए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि कोई ब्रांड हमसे मायूस ना हो कि इन्होंने हमें मिस कर दिया। ब्रांड हमने तकरीबन सारे लिए हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लिए हैं ताकि सारा टेस्ट मिले और सारे बच्चे हैप्पी होए। बच्चे आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? मैं घर में था तो ना, मैं बच्चे घर में होते, बाहर थोड़े। जब मैं घर में था ना, फिर मैं बहुत बोर हो रहा था, यहाँ पर आया हूँ ना, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। मज़ा है भाजी, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आज लग रहा है। घर में किसी का झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि सब हैप्पी। सब हैप्पी है, बिल्कुल ऐसे। देख लो ना, मामा भी खुश, बेगम भी खुश, बच्चे भी खुश, और एक्सपो भी खुश। एक्सपो भी खुश, एक्सपो बहुत ज्यादा। नाजी, इस वक्त जलाल सेंस की टीम हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, कैसा रहा एग्जीबिशन तीसरे रोज आज, क्या रिस्पॉन्स रहा? एग्जीबिशन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। देखिए आज लास्ट डे है, लास्ट डे की मुनासिब से रश काफ़ी ज़्यादा है, लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है। आप क्या कहेंगे? थोड़ा आगे आ जाएं कैमरे में जी, पूछे ना सवाल। एग्जीबिशन के बारे में कैसी रही? अलहमदिल्ला बहुत अच्छा रहा है, और हमें ये PFA की तरफ से अब देखने में मिल रहा है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हो रही हैं, जो कि पहले नहीं हो रही थी PFA की तरफ से। फूड स्टॉल्स ताकि हर ब्रांड को मौका मिला अपनी एडवर्टाइजमेंट का। अच्छा, जलाल सेंस की अपडेट नहीं बताएं आप? जलाल सेंस के बारे में, जलाल सेंस का तो नाम ही काफ़ी है, थोड़ी कुछ और अपडेट को, कोई नई चीज़ नहीं 2023 में कोई नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, हम ऐड कर रहे हैं इसमें, हम काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं जो न्यू ऐड कर रहे हैं, जैसा कि हमारे पास आइसक्रीम्स हैं, हम सॉल्टेड स्नैक्स में कुछ चीज़ें ऐड कर रहे हैं, बेकरीज में, और हमारा फोकस है क्वालिटी पे बेसिकली। इसलिए हम अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स को कोशिश करते हैं कि हम ना उन पे ही फोकस करें जितनी है, हम न्यू एडिशन कम करते हैं। तो सर क्या मैसेज देंगे एग्जीबिशन के बारे लोगों को? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग क्वालिटी को प्रेफर करें, क्योंकि क्वालिटी कम्प्रोमाइज़ करने से सेहत तो कम्प्रोमाइज़ हो ही रही है। ये ना देखें कि प्राइस जो सी है कितनी है, बट ये देखें कि आप खा रहे क्या हैं। तो जलाल सेंस बेसिकली वी रिप्रेजेंट जलाल सेंस, तो जलाल सेंस के बारे में मैं बताता चलूँ। आपने भी पूछा है मेरे दोस्त साथी से क्वेश्चन के 2023 के बारे में, 2023 में हमारे प्लान ये है कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्चिंग होगी एक दो, जिनमें से आइसक्रीम है, तो इंशाल्लाह वो उसको हम नेशन वाइड तो करेंगे करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द जलाल सेंस। नाजी, एक्सपो का आज लास्ट डे, और बहुत ही खूबसूरत ब्रांड, और यहाँ बहुत सारी फ्री सैम्पलिंग हो रही है। नुमान बरसा मरसा मौजूद है। नुमान भाई क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र जी। नुमान भाई, ऐसे सैम्पलिंग हो रही है, और जरा थोड़ा ब्रांड के बारे में बताएं आप। सर ये EPM ब्रांड का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें हमारे 6-7 वेरिएंट हैं, जिसमें हम उनकी सैम्पलिंग कर रहे हैं। कुछ बच्चों के ब्रांड हैं, कुछ बड़ों के ब्रांड हैं, उसके ऊपर हमने सैम्पलिंग कर रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे जैसे कि ये लोगों को हम सैम्पल कर रहे हैं, और कुछ इधर हमारे सेटअप पर आके सेल्फीज ले रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, और ओवरऑल सारा इन्जॉय कर रहे हैं सर। अच्छा बट साहब, योर लुक लाइक ए मॉडल, क्या ये आपकी आंखों का कमाल है सर। बट सर क्या कहना चाहेंगे एग्जीबिशन का लास्ट डे आज? जी लास्ट डे है, इस तरह के इवेंट माइट भी आगे भी होने चाहिए, जो हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी है इसको, इस पे इनिशिएटिव लेने चाहिए, ऐसे इस तरह के इवेंट महीने में एक दो दफ़ा हो जाने चाहिए। ये हमारे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आजकल फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब है। सही है, इस तरह से वो ज़रा इन्जॉय कर लेते हैं। जी नाजी, इस वक्त एक्सपो का सबसे खूबसूरत यहाँ स्टॉल है रियाना फूड, उसकी टीम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम खिजर नवाज है। आपका? इम्तियाज भट्टी। और सर आपका? अजमल भट्ट। अच्छा एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि पूरा एग्जीबिशन लगा हुआ आखिरी इसका लास्ट डे है और यहाँ जो मैंने क्राउड देखा है और ये रियाना फूड्स कहते हैं इसकी क्या रीज़न है, ज़रा आप पहले बताएं। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और यहाँ आए। सर इसमें ये कि मैं थोड़ा सा पहले आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा, हम लोग रियाना फूड्स की तरफ से काम कर रहे हैं और हम लोग जो हैं हमारा जो विजन है वो है कि हम लोग न्यूट्रिशनल सॉल्यूशन दें टू द जनरल पब्लिक और एक ऐसा ब्रांड बिल्ड करें जो कि लोग बाय चॉइस आगे बाय करें और जिसमें तमाम इंटरनेशनल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो किया जाए। लिहाजा हमने पाकिस्तान में बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट इकट्ठे किए हैं, फूड साइंटिस्ट लिए हैं और इनको मिलाकर हम लोग एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सो हम लोग ये एक स्पेशलिटी फूड बना रहे हैं। अभी तक हम लोग तीन तरह के जो आटे हैं वो बना चुके हैं जिसमें से ऑर्गेनिक प्लस है जो कि ग्लूटेन फ्री फ्लार है जो कि सीलिक पेशेंट्स के लिए और हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह इसी कैटेगरी में हमारे पास बेकिंग फ्लार है और अभी रिसेंटली हमारे ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बहुत मेहनत से बहुत रिसर्च के बाद इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए एक ऐसा डायबिटिक फ्लार बनाया है जिससे कि आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस आटे से कोई खाना खाते हैं और दो घंटे के बाद अपना शुगर लेवल चेक करते हैं तो अगर आपने कोई भी और आटा यूज़ किया हो उसके मुकाबले में आपका शुगर नीचे आ जाता है। सो 80% हमारी टेस्टिंग का जो रिज़ल्ट है वो ये है कि लोगों का जो शुगर लेवल है वो खाना खाने से पहले का नीचे होता है जबकि 20% ऐसा जिनकी रिडक्शन ज़रूर होती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली और इसमें कमर्शियल सोच इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि एक सोशल सपोर्ट है पाकिस्तान की आवाम के लिए। हेल्थ के हवाले से हम बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हम चाहते हैं कि उन्हें बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करें। अच्छा नाज़रीन हर शख्स चाहता है कि मैं प्लस हो जाऊँ, मेरी चीज़ें प्लस हो जाए। अच्छा ये ऑर्गेनिक प्लस इसका ख्याल कैसे है ये मैं इनसे बात करता हूँ। जी ऑर्गेनिक प्लस क्योंकि देखिए नॉर्मली लोग जो है ना वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स आती हैं, आप देखते हैं पूरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो उनमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ किए जाते हैं उनकी शेल्फ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी हमारा ये पोर्टफोलियो है, एक तो ये ब्रांड का नाम है, ट्रेडमार्क है ये ऑर्गेनिक प्लस, लेकिन जितनी भी इसकी फॉर्मुलेशन है वो टोटली जो है ना वो देसी फॉर्मुलेशन है, सिंथेटिक नहीं है। तो अगर आप सिंथेटिक जो है वो केमिकली जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपकी बॉडी के लिए उतनी फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी कोई देसी हब फार्मूला जो होता है। तो ये जो हब फार्मूला है इसका मकसद सॉल्यूशन देना तो है लेकिन लाइक जैसे अभी खिजर साहब ने बताया कि जो हमारा डायबिटिक फ्लार है ये आपके शुगर को कंट्रोल करता है। अब दवाई जो है मेडिसिन जो है डायबिटिक की वो भी शुगर को कंट्रोल करती है, वो भी शुगर को कंट्रोल करती है लेकिन वो आपकी हेल्थ का जामन नहीं है, वो आपको सेहतमंद रखने की जामन नहीं है। लेकिन जब इसकी जो फॉर्मूलेशन है जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो ना सिर्फ आपके शुगर को कंट्रोल करते हैं बल्कि आपको सेहतमंद भी रखते हैं क्योंकि शुगर जो है ना वो साइलेंट किलर है, ये आहिस्ता आपको कमज़ोर करता है। लेकिन ये जो फ्लार है जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसकी फॉर्मूलेशन है ये आपको तंदुरुस्त और तवाना भी रखती है। अच्छा व्हाट्सअप आप सेंटर से भी इन्होंने बताया। अच्छा साइंटिस्ट बहुत बड़ी हट के चीज़ें तख्लीक करते हैं, आपको ये ख्याल कैसे है इस प्रोडक्ट के बारे में? जी मैं बेसिकली मेरा एक एम है कि गजा से तकलीफ की जो शिद्दत है या बीमारी है उसको कम से कम किया जाए। इसके लिए मैंने बड़ी मेहनत की है कि अल्लाह मुझे जजा दे इस बात का कि मैं लोगों की तकलीफ कम कर सकूँ। मैं तकलीफ को कम करने के लिए जान लड़ा रहा हूँ, अच्छी से अच्छी गजा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दवाई के बजाय गजा से उसका इलाज किया जाए। अच्छा सर लास्ट में वन मैसेज फॉर एग्जीबिशन। सर ये कि बड़ी ज़बरदस्त एग्जीबिशन है, बहुत शुक्र गुजार हैं पंजाब फूड अथॉरिटी का और एट द सेम टाइम हमारी टीम का जिन्होंने इसको इतना सक्सेसफुल बनाया, इतने अच्छे तरीके से लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू और स्पेशली आपका और आपके कैमरामैन भाई का कि आप लोगों ने टाइम निकाला और हमारे साथ हमें मौका दिया कि हम अपना जो एक यूनिक मैसेज है वो मैसेज के साथ शेयर कर सकें। नाज़रीन जैसे आजकल बहुत ही ये एक लफ्ज़ चला हुआ है मैं आपका खादिम हूँ, तो ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है कि एक रिस्पेक्टेबल है कि मैं आपका खादिम हूँ। तो खादिम हुसैन साहब साथ मौजूद है, हमसे पूछते हैं कि आप किसके खादिम हैं? जनाब मेरा नाम खादिम हुसैन है और मैं एशियन फूड इंडस्ट्रीज में क्वालिटी का हेड हूँ
और ये हमने स्टॉल यहाँ पे लगाया है। बेसिकली हम बिस्किट और कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरर हैं। हमारा मेन ब्रांड जो है वो कैफ़े है, स्पेशल है, मेफियर हार्ट आप देख रहे हैं, मेफियर हार्ट है, वाव है। कन्फेक्शनरी में अगर बात करें तो वोबली जेली है, फ्रूटो कैंडी है, फ्रूट गाला है, क्रीमर है। तो ये सब हमारे जो है ना मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम पाकिस्तान में सेल करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और पाकिस्तान में की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर आज लास्ट डे एग्जीबिशन का क्या कहना चाहेंगे? जी माशाल्लाह 3 दिन बहुत रश रहा जी। पंजाब फूड अथॉरिटी का ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ये एग्जीबिशन को अरेंज किया है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स का रश किया रहा है। हमने अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हैं और फ्री सैम्पलिंग की है, कंज्यूमर सैम्पलिंग की है, ताकि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कंज्यूमर तक पहुँचें और कंज्यूमर इसको लाइक करें और मज़ीद जाके परचेज भी करें। आई होप कि ये बिज़नेस को एक अच्छी सपोर्ट होगी ये जो एक्टिविटी है, और लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, एक फ़न भी है। नाज़िर अज़र मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है, आइए जानते हैं इनके ब्रांड के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा सर, इतना क्राउड है, एग्जीबिशन का लास्ट डे है, आप बताएं अपने ब्रांड के बारे में। सर अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तान घी एंड कुकिंग ऑयल जो है वो एक अरसे से हम बचपन से सुनते आए हैं, जो जीता वही सुल्तान। तो सुल्तान ने आज पंजाब फूड अथॉरिटी की एक्सपो के अंदर इतने ज़बरदस्त किस्म के डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं और उसके साथ गिफ्ट दे रहा है। उसके बाद हमारा फ्रेशर जूस है, फ्रेशर जूस के ऊपर आपको ज़बरदस्त किस्म के डिस्काउंट भी मिलेंगे और साथ में गिफ्ट भी मिलेंगे। इस वक्त मेरे ख्याल में पूरी जो एक्सपो चल रही है पंजाब फूड अथॉरिटी की, इसमें सबसे बड़े जो हम लोग जो ना बम्पर किस्म के ऑफर जो दे रहे हैं वो अल हिलाल इंडस्ट्रीज दे रही है। आप विज़िट करें तो सबसे बड़े जो आप देखेंगे ना प्राइस के अंदर भी, और उसके अलावा जो गिफ्टिंग हम लोग कर रहे हैं कि आज आखिरी दिन है, आज तो इंशाल्लाह जैसे जैसे क्लोज होगा हम लोग और भी बड़े गिफ्ट करेंगे। नाज़ी ये बहुत गिफ्ट कर रहे हैं, ये अभी हमें भी बहुत सारे गिफ्ट करेंगे क्योंकि इस वक्त ये बहुत हैप्पी क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा क्राउड है। एग्जीबिशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एग्जीबिशन बहुत कामयाब रही है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया, ठीक है, और बहुत इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस ब्रांड्स आए हैं। हमारी जैसे अज़र साहब ने कहा कि हमारी बम्पर ऑफर चली, इससे जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ है कि हमारी क्वालिटी, हम 50 साल से ज़्यादा अरसे से मार्केट में हैं और सबसे जो बेसिक है हमारी वो क्वालिटी। अच्छा सर 2023 में आप क्या कहेंगे अपने ब्रांड के वाले से, कोई नई चीज़ ऐड की आपने? जी जी, मेरा अभी जो है कैन के अंदर जो है ना फ्रेशर चंकी वो बिल्कुल लॉन्चिंग भी है और कस्टमर को एक ऐसा जायका मिलेगा फ्रेशर के अंदर के वो सब भूल जाएंगे, इतना ज़बरदस्त ब्रांड आ रहा है। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि ऐसा जायका मिलेगा फ्रेशर के अंदर के वो फौरन फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश बिल्कुल बिल्कुल जी। नाज़रीन फूड एग्जीबिशन जो पंजाब अथॉरिटी वालों ने करवाई थी, दुनिया की सबसे बड़ी फूड एग्जीबिशन पाकिस्तान में थी, जिसका आज आखिरी रोज़ है और ये एग्जीबिशन अपने इख्तिताम पर है, जहाँ पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ब्रांड आए हुए थे फूड के हवाले से और बहुत सारे
शोज़ के वाले से जो आर्टिस्ट थे, सिंगर, इंटरनेशनल नेशनल सिंगर ने भी परफॉर्म किया, और देखा कि 94 ने आपको 3 दिन एग्जीबिशन के साथ जोड़े रखा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना भूलिए मत। DOP यकूब भट्टी के साथ अपने मेज़बान तारिक अंस हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।